जब से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का फैलना शुरू हुआ उसी वक्त से हर रोज नए नए रिसर्च सामने आ रहे हैं और हर रोज नए नए नतीजे भी। अब शोधकर्ताओं का दावा है कि कोरोना महामारी की रोकथाम में निकोटीन एक अहम हथियार साबित हो सकता है। फिलहाल धूम्रपान करने वाले 11,000 कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर अध्ययन किया गया है। इनमें शामिल 8.5% लगातार धूम्रपान के आदि मरीजों के शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता थोड़ी बेहतर थी। दरअसल अध्ययन की समीक्षा करने वाले मशहूर फ्रांसीसी न्यूरोबायोलॉजिस्ट जियां पिया शांजू ने सुझाव दिया है कि निकोटीन कोरोना विषाणु को शरीर की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाने से रोक सकता है। निकोटीन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने की प्रक्रिया को भी धीमा कर सकता है, जो कोविड-19 संक्रमण का सबसे गंभीर पक्ष है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को फैले 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इसके रोकथाम के लिए कोई टीका या दवा की खोज नहीं हो पाई है। दुनिया भर के शोधकर्ता टीके की खोज में जुटे हैं। फ्रांस के एक अस्पताल के शोधकर्ताओं का निकोटीन वाला नया दावा कितना कारगर साबित होगा, एक बड़ा सवाल है।